हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। ऑनलाइन तैयारी के हिंदी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने दुर्वास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो एक फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको बताना है कि ये जो दुर्वास्त्र है वो आखिर तोप है, मिसाइल है, या कोई प्रणाली है, या जो भी आपके पास ये ऑप्शन है, आपको उनमें से सही ऑप्शन चूज करने हैं। और इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से इस स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ध्रुवास्त्र रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। ध्रुवास्त्र कई नई विशेषताओं के साथ नाग हेलिना हेलीकॉप्टर संस्करण है। आगे बढ़ते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने महत्वपूर्णता हासिल की है? सी ऑप्शन, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये इसका सही जवाब है। महत्वपूर्णता प्राप्त करने वाले ऊर्जा संयंत्र का मतलब है कि ये संयंत्र की सामान्य परिचालन स्थिति तक पहुंच गया है। संयंत्र को ऊर्जा उत्पादन करने के लिए निर्धारित किया गया है। हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने महत्वपूर्णता हासिल की है। घरेलू डिजाइन पर आधारित ये रिएक्टर मेक इन इंडिया का चमकता उदाहरण है। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, भारत और मालदीव ने हाल ही में माले में फिल इन द ब्लैंक्स की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। थर्ड क्वेश्चन का सही जवाब है डी ऑप्शन, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं। माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए मालदीव ने हाल ही में भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की अनुदान सहायता के तहत भारत मालदीव को कई छोटी और मध्यम परियोजनाओं में मदद करेगा। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राज्यों में माल परिवहन के लिए भारत फिल इन द ब्लैंक्स के बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है। सही जवाब है पहला ऑप्शन, बांग्लादेश। भारतीय पोत MV शेज ज्योति ट्रांस शिपमेंट माल के 4 कंटेनर बांग्लादेश के चिट्टागोंग बंदरगाह पर पहुंचे। 2015 में ढाका और दिल्ली द्वारा भारतीय मालवाहक जहाजों को चिट्टागोंग और मोगला बंदरगाहों का उपयोग करके उत्तर पूर्वी भागों से माल ले जाने की अनुमति देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग को 1 मिलियन यूरो के गुलबेंकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक्स है। सही जवाब, जलवायु कार्यकर्ता है, पहला ऑप्शन। स्वीडिश किशोर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने 1 मिलियन यूरो गुलबेंकियन पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन और प्रकृति की रक्षा करने वाले समूहों द्वारा उसे 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार दिया जाएगा। 46 देशों के 136 नामांकन में से ग्रेटा थुनबर्ग को कैलोस्टे गुलबेंकियन फाउंडेशन, जो कि एक पुर्तगाली परोपकारी संगठन है, के द्वारा जारी किए गए पुरस्कार के लिए चुना गया था। क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को भारत नाम के फिल इन द ब्लैंक्स प्रदान किए गए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, ड्रोन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा भारतीय सेना को भारत ड्रोन प्रदान किया गया है। भारत ड्रोन पूर्वी लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सटीक निगरानी प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। भारत सीरीज के ड्रोनों को दुनिया के सबसे चालाक, मुस्तैद, फुर्तीला और हल्के सर्विलांस ड्रोन के रूप में लिस्ट करवाया जा सकता है। इसे भारत में तैयार किया गया है।
नेक्स्ट है आज का सेवेंथ क्वेश्चन। वायु भवन नई दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सेवेंथ क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, राजनाथ सिंह। वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन AFCC का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा वायु मुख्यालय वायु भवन नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का विषय अगले दशक में भारतीय वायुसेना होगा। 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया करेंगे। क्लियर। 8th क्वेश्चन। गैर जीवन बीमाकर्ता SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बी ऑप्शन, प्रकाश चंद्र कांटपाल, ये इसका सही जवाब है। प्रकाश चंद्र कांटपाल को गैर जीवन बीमाकर्ता SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में जून 2019 में SBI जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी CEO के रूप में सेवारत हैं। वे भूषण महापात्रा को निदेशक रणनीतिक निवेश और डिजिटल पहल के रूप में नियुक्त करेंगे। आज का 9th क्वेश्चन। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सी ऑप्शन, सुमित देव। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देव वर्तमान में NMDC में निदेशक के रूप में सेवारत हैं। वो NMDC के CMG के रूप में एक N बैजेंद्र कुमार को स्थान ग्रहण करेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को CMD के पद सेवानिवृत्त होंगी। क्लियर। आज का 10th क्वेश्चन। हाल ही में NPCI द्वारा आवर्ती भुगतान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं पेश की गई हैं? UPI, ऑटोपे, ये इसका सही जवाब है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में ऑटोपे फीचर लॉन्च किया है, जो खुदरा ग्राहकों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस बुनियादी ढांचे के तहत सभी आवर्ती भुगतानों के लिए भुगतान करने में सक्षम करेगा। इस सुविधा का उपयोग फोन बिल, DTH बिल, गैस बिल आदि जैसे आवर्ती भुगतानों के लिए किया जा सकता है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।